एक्सरसाइज 10.1 इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर दी गई है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। ए सी डी मीन्स ये एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो क्योंकि आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले जो हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो हम उस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था हमारा, कि जो एक्सटीरियर एंगल है आपका, वो ट्राइंगल के इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, राइट। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, राइट। ये है, तो हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे कि जो आपका एंगल ए सी डी है, एंगल ए सी डी कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है आपका, तो वो इक्वल टू है आपके एंगल ए प्लस एंगल सी, राइट। एंगल ए एंगल सी मैंने एज इट इज लिख दिए क्योंकि ये कहीं और डिवाइड नहीं हो रहे। एंगल सी का मैं यहाँ पर खाली एंगल सी नहीं लिख सकती थी क्योंकि एंगल सी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसका हमें नाम लिखना जरूरी होता है। ये दोनों डिवाइड नहीं हो रहे कहीं भी, तो इसलिए हमने इनका नाम लिख लिया है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो यही आपको देना है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या आप पूरा लिख दीजिए कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है, राइट। तो आपको फाइंड आउट करना है ए सी डी, एंगल ए है आपका 70 डिग्री, एंगल सी है 50 डिग्री। देखिए बहुत सारे लोग एंगल ए एंगल सी लिख देते हैं लेकिन इनके जो वैल्यूज होती है वो लिखने में गड़बड़ कर देते हैं। आपने अगर एंगल ए लिखा है तो आप 70 पहले लिखेंगे क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, और अगर एंगल सी आपने बाद में लिखा है तो 50 डिग्रीज भी आप बाद में ही लिखेंगे। सो देयरफॉर यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 120 डिग्रीज।